ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री जो अपनी खूबसूरती और ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस और कंगारुओं की वजह से मशहूर है। दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है और ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और ये 6 स्टेट्स में बटा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल नेम द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनिया जैसे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले आपको लगभग 57 रुपीस तक देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 2.54 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 4.5 घंटे आगे चलता है। ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा की जरूरत होगी और यहाँ के टूरिस्ट वीजा के लिए आपको लगभग 9,000 रुपए तक देने होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलना मुश्किल है और पर्थ एयरपोर्ट पहुंचना ही सबसे सस्ता ऑप्शन है। दिल्ली से पर्थ जाने में आपको लगभग 65,000 रुपीस से ज्यादा देना पड़ सकता है और पहुंचने में 24 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन पैसे बचाने हैं तो आप क्वालालंपुर में लेओवर करते हुए जाएं, जिससे आप 50,000 रुपए तक में भी ऑस्ट्रेलिया पहुँच सकते हैं और 15 से 18 घंटे लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं और यहाँ की टॉप सिटीज है सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, केर्न्स, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट। आप जब भी ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर देखेंगे तो एक प्लेस आपको जरूर दिखाई देगी और वो है सिडनी का सिडनी ओपेरा हाउस। यहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई इवेंट होता रहता है और इस ओपेरा हाउस में कॉन्सर्ट हॉल है, 3 थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अलावा काफी कुछ है। यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग खर्चे हैं जो कि 2,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक है। सिडनी में बीच भी है और यहाँ पर आप बीच पर कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं या सिंपली यहाँ के बीच पर चिल भी कर सकते हैं। सिडनी का हार्बर ब्रिज भी काफी मशहूर है, जिसके साथ आप कई सारी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का रॉयल बोटैनिक गार्डन, क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग, डार्लिंग हार्बर, तारोंगा जू, सिडनी टावर आई और कई सारी प्लेसेस हैं। पर्थ से लगभग 2,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में है उलुरु काटा जूता नेशनल पार्क, जहां पर आपको 350 मीटर ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। यहां की बाइक से रोड ट्रिप काफी सारे टूरिस्ट करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि हमारे अर्थ के फेस पर लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, मतलब समुद्र पर उभरे हुए चट्टान, और ये 2,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है जहां लगभग 2,000 से 3,000 रीफ्स हैं।
यहाँ का पूरा एक दिन का टूर होता है, जो कि 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का होता है। यहाँ का टूर ऑस्ट्रेलिया के केर्न सिटी से होता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है ककाडू नेशनल पार्क, जहाँ वाटरफॉल्स, रेन फॉरेस्ट, रॉक आर्ट और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ की एंट्री फीस केवल 3,000 रुपए है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बाकी टूरिस्ट प्लेसेस से चीप और वर्थफुल है। खास बात यह है कि आप यहाँ कैंपिंग, हाइकिंग, स्विमिंग, फिशिंग और ढेरों एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये प्लेस ऑस्ट्रेलिया के डार्विन सिटी से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ के स्टेडियम में इंडिया के काफी मैचेस हुए हैं। और मेलबर्न में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे फेडरेशन स्क्वायर, रॉयल बॉटेनिक गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, यूरेका टावर्स, मेलबर्न म्यूजियम, मेलबर्न जू, डॉकलैंड्स और भी काफी कुछ। विट संडे आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको मालदीव्स वाली फीलिंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ लगभग 74 छोटे बड़े आइलैंड्स मिलेंगे, जहाँ वाइट सैंड बीचेस पर आप लग्जरी एकोमोडेशन के साथ चिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप व्हेल्स देख सकते हैं, टर्टल्स के साथ स्विम कर सकते हैं और कई सारे आइलैंड का टूर कर सकते हैं। यहाँ आप 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं, पर इसमें आपके लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खाने के लिए इंडियन फूड्स तो मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको एक थाली के लिए 2,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आए हैं और कंगारू आइलैंड नहीं गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप अधूरी है। एडिलेड से केवल 45 मिनट्स की फेरी राइड से यहाँ पहुँचा जा सकता है, पर कंगारू आइलैंड पर आपको सिर्फ कंगारू ही नहीं बल्कि सब तरह के एनिमल्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क है और यहाँ आप नेचर ट्रायल्स, हाइकिंग, एडवेंचर एक्टिविटी और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ग्रेट ओशियन रोड, जो कि 243 किलोमीटर की ओशियन के बगल में रोड है और ये 1932 में बनकर तैयार हुई थी। इस रोड को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लौटे सोल्जर्स ने शहीदों की याद में बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर भी अच्छा खर्चा हो सकता है, क्योंकि यहाँ टैक्सी के 1 किलोमीटर के लिए आपको मिनिमम 300 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। हालांकि अलग अलग सिटी के अलग अलग चार्जेस हैं। वैसे यहाँ मेट्रो की सर्विस भी कई शहरों में है और लगभग 700 से 1000 रुपए में मेट्रो का डे पास मिल जाता है। अगर आपको जंगल का एडवेंचर टूर पसंद है तो डेंट्री रेन फॉरेस्ट बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा एनिमल्स हैं और साथ ही कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहां की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो गोल्ड कोस्ट सिटी बेस्ट है। गोल्ड कोस्ट लोकल्स के बीच और फॉरेनर्स के बीच भी काफी पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जहां बीचेस हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, बड़े शॉपिंग मॉल्स और नाइट क्लब्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनके अलावा भी ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस हैं और ये केवल कुछ बड़े नाम हैं। इनके अलावा डार्विन सिटी, केर्न सिटी, पर्थ और ब्रिस्बेन भी काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत सारे हैं, जिनकी अलग से डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी कंट्री है और यहाँ के सभी सिटी एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, इसलिए एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए
फ्लाइट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें समय और पैसे दोनों बचते हैं। पर आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए एक महीने भी कम पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। पर कुछ मेन प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो 10 दिन चाहिए होंगे, जिसमें 2 दिन सिडनी, 3 दिन केर्न सिटी, क्योंकि इस सिटी के आसपास काफ़ी प्लेसेस हैं, 2 दिन मेलबर्न में और बाकी 3 दिन डार्विन और एडिलेड में बिता सकते हैं। पर इतनी सिटीज चेंज करने में आपके कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये खर्च होंगे, और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट के आपको 65,000 रुपीज, जबकि वीज़ा के 10,000 रुपये और होटल पर एवरेज पर डे 2 एडल्ट्स का 5,000 रुपये, मतलब 10 दिन का एक पर्सन पर 25,000 रुपये तक खर्च आ सकता है। वैसे आपको यहाँ 1,500 से 2,000 रुपीज पर नाइट में भी हॉस्टल मिल सकते हैं। साथ ही लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर लगभग 30,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं, फूड पर 40,000 रुपये, जबकि एक्टिविटीज़ एंट्री फीस पर 50,000 से 60,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का 10 दिन का कस्टमाइज टूर करते हैं तो आपके 2,80,000 से 3,00,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। हालांकि इसमें आप ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेसेस कवर कर लेंगे। यहाँ के 10 दिन के पैकेज भी आपको 3,00,000 रुपये तक में मिल जाएंगे, पर आप उसमें कई सारी प्लेसेस नहीं कवर कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया घूमने का बेस्ट टाइम सितंबर से नवंबर और मार्च से मई के बीच होता है, हालांकि बाकी टाइम में भी आप यहां पर घूम सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।